नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। एक विवाह ऐसा भी जहां दूल्हा दुल्हन सहित बाराती व घराती हाथ आगे कर शपथ ले रहे हैं। दरअसल इन दिनों रीवा नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। ऐसे में समय समय पर समाज सेवियों द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जाती है। इस वैवाहिक कार्यक्रम में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ शादी के जोड़े में तैयार खड़े दूल्हा और दुल्हन सहित घराती और बाराती हाथ आगे कर शपथ ले रहे थे। ये शपथ थी नशे से दूर रहने की और समाज को मैसेज देने के लिए कि नशा नाश का कारण बनता है। दरअसल समाज सेवी सुजीत द्विवेदी पिछले कई सालों से नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ रखे हैं। उनके पुत्र का विवाह था, कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। उसी दौरान समाज को नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए उन्होंने वहीं शपथ दिलाई। इस शपथ में उनका बेटा और नई नवेली बहू भी शामिल हुए। आज हमारे बेटे की शादी है और इस मौके पर यहाँ पे जो घराती और बाराती मौजूद हैं उनसे हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। नशे की हालत में लोग गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट में पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन अपराध सब नशे की ही देन है और हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा समाज है, हमारा देश है, नशा मुक्त देश बने। आज जो हमारे देश का नौजवान है नशे के कारण अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। हम देश के नौजवानों में, बच्चों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं जहां नशे के लिए कोई स्थान ना हो। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा पीढ़ी है जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है। जी बिल्कुल, हमने नशा छुड़वाने के लिए बूट पॉलिश की और अभी कुछ दिन पहले हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया था, उस समय वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे हमने उन लोगों से भी कहा कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। अभी हमारे बेटों के व्रतबंध में भी हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई और आज हमारे मेरे बेटे का विवाह है। इस अवसर पर यहाँ पे जो लोग उपस्थित थे सबसे हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई है और सब लोग बड़े खुश हैं और लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। और मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारा जो ज़िला है जो कोरेक्स से ग्रसित है वो नशे से दूर हो और हमारा देश और समाज एक स्वस्थ देश बने, एक मजबूत देश बने। नशे की वजह से बड़े बड़े परिवार ख़त्म हो गए। नेपाल का राज घराना 5 मिनट के अंदर नशे के कारण उनके बेटे ने, खुद के बेटे ने पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। और दिल्ली में जो कुछ भी दामिनी के साथ हुआ पूरा देश देखा। अमेरिका में एक नशेड़ी ने स्कूल में घुसकर 26 बच्चों की हत्या कर दी। इस तरह की घटनाएं जो हैं हमारे देश के लिए कलंक हैं, नहीं होना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे देश में नशा बिल्कुल ना हो और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा समिति, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। आपको कैसा लग रहा है अपनी शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की भी शादी में ऐसा नहीं होता है। लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अच्छे चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें बोलने को, सुनने को भी मिल रहा है कि आप नशे से दूर रहें। खाना पीना अपनी जगह पे है, नशा अपनी जगह पे है, तो कृपया नशे से दूर रहें क्योंकि इससे आपका परिवार बर्बाद होता ही है, साथ में आपके पीछे आई हुई लड़की का भी की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। इसलिए नशे से दूर रहें, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपका परिवार भी सही रहेगा, इससे आपको समाज में अच्छी इज्जत भी मिलेगी। समाज में यही इज्जत है कि अगर आपको समाज में रहना है तो आपको नशे से दूर रहना है क्योंकि अगर आप समाज में रह रहे हो तो अगर आप नशा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जाके उस नशे को निकालोगे। इसलिए आप नशा ना करोगे तो आपको समाज में ज़्यादा अच्छी इज्जत मिलेगी। नशे में मतलब घटनाएं भी होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग तो नशे में ये भी भूल जाते हैं कि हम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, किसके ऊपर क्या कर रहे हैं और अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं क्योंकि वो नशे में कब कहाँ निकल जाएंगे और कब कहाँ जाके क्या करेंगे वो नहीं पता होता है। प्रगति तिवारी जी। जी जी, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है भैया। क्या मैसेज देना चाहता? मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो उनकी मतलब ये नशाखोरी की आदत है, नशा करने की जो लत है उसे दूर रहें और स्वस्थ जीवन जिए और सुखी जीवन जिए, बस ऐसा ही। और समाज को क्या मैसेज करना चाहते हैं? समाज को
समाज को यही मैसेज करना चाहूँगा कि ये जो नशे की लत है, इससे हमारा घर परिवार बर्बाद होता है, समाज में हमें इज्जत नहीं मिलती है, और शरीर की तरफ से तो बर्बाद होगा वो अलग ही है। तो मतलब अगर नशे का त्याग करके और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो नशे का पूरी तरह से त्याग कर दें और हमारे साथ जुड़ें, और हमारा संकल्प जो है अभी आपने सुना है उसका सपोर्ट करें। कुल मिला के यही है कि नशे से दूर रहें, बस इतना कहना चाहूँगा। नाम है कष्टहर नाथ द्विवेदी।